हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा शिमला मिर्च। और ये भरवा शिमला मिर्च की स्पेशलिटी ये है कि ये मेरे किचन गार्डन की फ्रेश शिमला मिर्च मैं आपके सामने दिखा रही हूँ आपको, और ये आपके सामने ही तोड़ूंगी और उनको बनाऊंगी। तो ये देखिएगा, ये कितनी अच्छी शिमला मिर्च हो रही है हमारे यहाँ पे। तो मैं इनको ही तोड़ रही हूँ आप लोग के सामने और ये मैं बनाऊंगी आज। तो हम फ्रेश जब कोई भी सब्जी लेते हैं तो उस फ्रेश सब्जी की बात ही अलग होती है, उसको स्वाद ही अलग होता है बिल्कुल। ये देखिएगा, ये यहाँ पे एक शिमला मिर्च और हो रही है, ये देखिएगा। तो मुझे लगा कि आज मैं आपके साथ ये पूरा शेयर करूँ, और ये देख के बड़ी खुशी हुई इसमें इतनी अच्छी अच्छी शिमला मिर्च हो रही है। ये देखिएगा, ये देखिए आगे। तो आराम से हमारा ये सेब पूरी भरवा सब्जी आराम से बन जाएगी। और ये भरवा शिमला मिर्च के लिए भरवा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, साइज भी बिल्कुल उसका परफेक्ट है, ये देखिएगा। और एक वहां पे हो रही है अभी, बाकी और मैं छोटे छोटे हो रहे हैं। तो ये इतनी जो शिमला मिर्च है ये काफी है भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए। तो अब आगे की हम देखते हैं इसमें हमें कौन कौन सी सामग्री और चाहिए होगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। जैसा कि अभी आपने देखा था, शिमला मिर्च मैंने आपके सामने ये खेत से तोड़ी थी, यानी कि अपने किचन गार्डन से। तो मैंने इनको धो के रख लिया क्योंकि काफी मिट्टी इसमें लगी हुई थी। तो अब इनके जो ये हमें ये निकालना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से चाकू लीजिएगा, इसको इस तरीके से, यही जो साइज है, ताकि इसमें मसाला अच्छे से भर पाए। इसको इस तरीके से अच्छे से कट करिएगा, और जब आप ये करेंगे तो ये पूरा बीज सही तरह से बाहर निकल जाएगा। उसको फिर हाथ से अंदर थोड़ा सा, वैसे इसमें बीज है नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से देख लीजिएगा। शिमला मिर्च बिल्कुल साफ होनी चाहिए, खराब बिल्कुल भी ना हो। तो देखिएगा बीज इसमें नहीं है। इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली शिमला मिर्च है, इसको भी मैं अच्छे से ऊपर से निकाल लेती हूँ। ये देखिएगा इसमें हल्का हल्का बीज है, थोड़ी बड़ी है क्योंकि ये, तो इनको मैं ऐसे करके और ये कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा अंदर से ये खाली हो गया, देखिएगा। अब इसमें मसाला जो हमारा अच्छे से भर पाएंगे हम, ये बिल्कुल। तो अब इसके बाद शिमला मिर्च के बाद मैंने लिया है प्याज कटा हुआ बारीक, इस तरीके से मैंने उन्हें कट करके रख लिया है। ये बॉईल उबले हुए आलू लिए हैं। मसालों मैंने लिए हैं पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, ये है गर्म मसाला, ये मैंने सब हाफ हाफ स्पून लिया है। नमक स्वाद अनुसार लीजिएगा आप। अब सबसे पहले ये जो उबले हुए आलू हैं, इसमें मैं मिक्स करूंगी ये प्याज, क्योंकि हम जो भरवा शिमला मिर्च बनाते हैं इसमें आलू और प्याज का ही मसाला अच्छा लगता है। ये मैं डाल दूंगी, ये लाल मिर्च पाउडर मैं डालूंगी, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और ये गरम मसाला, और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जो मसाला है बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, मैंने इसे मिक्स कर लिया है सारा। और साथ में यहाँ पे मैंने गैस में नॉनस्टिक कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, और इसको मैं गैस ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा हल्का सा तेल भी गर्म हो जाए। इसको मैं लो फ्लेम पे रखूंगी, और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये मसाला फिल करना। इसके लिए मैंने लिया है ये छोटी चम्मच, इससे आप इस तरीके से इसमें डालिएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको आपको दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर भरेंगे तो मसाला अच्छे से अंदर तक नहीं जाएगा। ये पूरा इस तरीके से एक उंगली से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, और ये क्योंकि मसाला कम होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और मसाला इसमें भरवा शिमला मिर्च है तो भरी अच्छे से होनी चाहिए वो। ये देखिएगा इस तरीके से भर लिया है। अब ये मैं ऐसे ये वाली जो शिमला मिर्च है इसको भी भर लेती हूँ। थोड़ा बड़ा अगर कटा होगा तो वो उसमें अच्छे से, बहुत छोटी शिमला मिर्च भी अच्छे से भरी नहीं जाती है, ना बहुत बड़ी होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। इसको अच्छे से भरेंगे पूरा, ये देखिएगा। ऐसे मैं अब सारी शिमला मिर्च भर के रख लेती हूँ। तो ये देखिएगा, ये सारे शिमला मिर्च मैंने अच्छे से भर दिए हैं, ये भर चुकी है। और यहाँ पे साथ में तेल जो है वो तेल भी गर्म हो चुका है अच्छे से। इसमें अब हम डालेंगे हमारी शिमला मिर्च, इनको आपको इस तरीके से सीधे रखना है, ध्यान रखिएगा। ये मैं कई बार माइक्रोवेव में भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे माइक्रोवेव से ज्यादा शिमला मिर्च जो है वो कढ़ाई की पसंद आती है। गैस में बनी हुई शिमला मिर्च ज्यादा अच्छी लगती है।
क्योंकि माइक्रोवेव में वो टेस्ट नहीं आता है जो हमें इसमें मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप शिमला मिर्च डालते हो तो तेल जो है वो काफ़ी खटकता है। तो ये देखिएगा सारी शिमला मिर्च आ चुकी है इसमें। अब मैं इसको यहाँ पे ढक्कन लगा के रखूँगी और बीच बीच में ये ध्यान रखिएगा इसको चलाते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि अगर ये नीचे से तरा लग जाएंगी, जल जाएंगी तो स्वाद ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढक देंगे और 3-4 मिनट के बाद इसको देखते रहिएगा, आप इसको पलटते रहिएगा। एक बार 3-4 मिनट हो चुके हैं तो इसे हम खोल के देख लेते हैं। और आप इसे ध्यान रखिएगा एक छोटी चम्मच से करिएगा, बड़े चम्मच से मत करिएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये फट सकते हैं हाथ से। तो ये देखिएगा, आप देख सकते हैं इनका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, ये जिस तरफ से पक चुके हैं कलर चेंज जाएगा ऐसे। तो इनको हल्के हल्के उसके हाथ से आप इस तरीके से चेंज करिएगा, पलटिएगा। ये जो है ये देखिएगा इस तरह, ये ऐसे होने चाहिए, इससे ज़्यादा ये नहीं पकने चाहिए वरना वो फिर बहुत ज़्यादा पक जाएंगे, बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। ये देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट कलर हो गया इनका। तो ऐसे करके सारे शिमला मिर्च में पलट लूँगी और इनको एक बार हम 2-3 मिनट के और ढक के फिर ये शिमला मिर्च अच्छे से बन जाएगी। ये पूरा इस तरीके से देखिएगा, ये सारे शिमला मिर्च को आप इस तरीके से पलट लीजिएगा। 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये सारी शिमला मिर्च जो है वो अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं इन सब सारी शिमला मिर्च का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ना ये ओवर कुक हुई है और जली भी नहीं है। ये देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल ये परफेक्ट इसका वो है। इस तरीके से मैं सारी शिमला मिर्च जो है इसमें से निकाल लेती हूँ। गैस मैंने कर दी है बंद। तो ये सारी शिमला मिर्च मैंने इस प्लेट में निकाल ली है, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है और जब आप बनाएंगे तभी आपको उसके स्वाद का पता चलेगा। आप इन्हें किसी भी पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ ट्राई कर सकते हैं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये शिमला मिर्च, भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।